वर्तमान जिला अध्यक्ष सम्मानित दिनेश जी एवं सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को मैं प्रदेश की इकाई की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ और बधाई और अभिनंदन के लिए देना चाहता हूँ कि आपने जिला की धूप का परवाह न करके इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई ने जो पांच जन भूखा है उसके कार्यक्रम को आप सफल बनाने में आप अपने घरों से जिस प्रकार से मेहनत करके यहाँ पर सड़कों पर उतरने का काम किया है इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता या राष्ट्रवादी शक्तियां जब जब करवट पर जब जब वो आकर सड़क पर संघर्ष करने का काम करती है तब तक सत्ता जो भ्रष्ट सत्ता रहता है उसका सिंहासन बनता है। मैं 1974 को याद कर रहा था 1974 के आंदोलन में इसी बसंत टॉकिन के सामने ऐसे कई कार्यकर्ताओं को ऐसे कई क्रांतिकारियों को उस वक्त की जुल्म करने वाली सरकार कपूर जी की सरकार ने गोली चलाने का काम किया था। तब भी यहाँ के लोगों ने यहाँ के नागरिकों ने यहाँ के युवकों ने यहाँ के महिलाओं ने संघर्ष को विराम नहीं डाला था और मैं कह सकता हूँ उनके संघर्ष के परिणाम के कारण बिहार में कपूर की सरकार गई और जनता पार्टी की सरकार आई। इसलिए आज जब जब यहाँ के लोग सड़क पर उतरते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाली सरकार जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए आज के कार्यक्रम में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा मुझे अब विश्वास है कि हेमंत सोरेन अब चंद दिनों की मेहमान है अब इनको जाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों मैं जानता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और उस सरकार ने वादे किए थे और वादे क्या किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे लेकिन ये सरकार 2.5 साल से ऊपर हो गया 5 लाख को छोड़ दीजिए 5 लोगों को भी रोजगार देने का काम नहीं किया। आप छोड़ दीजिए लोगों को रोजगार नहीं दिया रहा था तो भी कोई बात नहीं थी लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो निकम्मी सरकार है। उन लोगों ने पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार जिन लोगों को संविदा पर रोजगार देने का काम किया था उसको भी बाहर करने का काम किया उनको भी बेरोजगार कर दिया। इन्होंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन ये सरकार बेरोजगारों को आज सड़क पर उतारने का काम कर रही है बेरोजगारी भत्ता तो छोड़ दिया।